तो आज के दौर में एक सरेंडर वर्सेस सत्य असत्य की लड़ाई कश्मीर फाइल्स को लेकर एक फिल्म है जो मुझे लगता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बिकॉज कुछ ऐसे वाक्य हैं हमारी जिंदगी के, हमारे देश के, जिसको वो डिपिक्ट करती है। अब हिट बहुत हुई है फिल्म, कमर्शियल सक्सेस हुई है, अलावा इसके वो इट हैज अवेकन्ड मेनी पीपल, मतलब हमें भूले हुए दर्द वापस आ गए हैं। लेकिन इस पर भी एक आर्ग्यूमेंट, एक कंट्रोवर्सी है कि ये सत्य है या ये एक झूठ दर्शा रही है, ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है और सोसाइटी को, हमारे समाज को डिवाइड कर रही है। इस पर आप क्या कहें? मैं चाहता नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, पर आपके साथ मैं कभी भी कुछ भी बात करने में मुझे हिचक नहीं होती, क्योंकि समहाव आपके साथ में बात मैं कन्वे कर पाता हूं। अभी तक मैंने कश्मीर फाइल्स देखी नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि जब वो आई थी तो मैं दुबई में था, दुबई में वो रिलीज़ नहीं हुई थी। फिर जब मैं यहाँ आया तो एकदम मेरा मतलब डे एंड नाइट से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब सोता नहीं हूँ मैं, ऐसी मेरी हालत है। समहाउ मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ रिएक्शन लोगों के, रो रो अभी मैं कह रहा हूँ मुझे अंदर से अभी भी रोना आ रहा है इस समय, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट और भूल जाए आर्टिस्ट, मैं आई विल बी लेसर ऑफ अ मैन इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू एनी बडीज पेन। और मैं ये कह रहा हूँ ना केवल कश्मीर फाइल्स का, जब मैं कभी सोचता भी हूँ कि सिखों के साथ में क्या हुआ था 84 में, मेरा दिल दहल जाता है। तो ये बात वो नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में तेरा दिल है और सिखों के लिए नहीं है, और गोधरा में जो मुस्लिमों को भी काटा गया होगा, और जो कारनेज में कार सेवकों को जलाया गया था। मेरा दिल अगर संवेदनशील होगा तो उन सब के लिए ही होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बाप के साथ में ऐसा होता तो क्या होता, मेरी माँ के साथ में ऐसा होता तो क्या होता, मेरे साथ में कोई मेरे सर में टायर डाल देता और बोलता तू सरदार है तेरे को जला रहा हूँ तो क्या होता। तो इस इन सब चीज़ों से मुझे बहुत होता है कि यार जिस दुनिया में मैं हूँ उस दुनिया में ये होना नहीं चाहिए। तो मेरी असल में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कश्मीर फाइल्स देख के, तो मुझे मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ लोग फूट फूट के रो रहे हैं, फपक फपक के रो रहे हैं। पॉइंट ये,